हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म। स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होने वाला है या कौन से चैप्टर में से हम लेने वाले, तो उसके लिए हम बुक रेफर करेंगे, दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। ओके, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। इफ आपको बुक रिक्वायर्ड होगी या इफ आपको PPT रिक्वायर्ड होगी तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंगली आप इस फाइल को सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एन स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म। ओके, क्लाउड मैकेनिज्म इन द सेंस व्हाट, कि क्या हो सकता है। टिपिकली जस्ट लाइक इन नंबर्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स हमने देखे। ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स थे, उसको किस तरह से हमने डिफरेंट काइंड ऑफ IT रिसोर्सेज अप्लाई किए थे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड उसके सॉल्यूशंस हमने देखे। ओके, हर एक चैप्टर के अंदर, लेकिन जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हम कवर करने वाले, हर एक चैप्टर के अंदर ये सभी चीज़ें हमें इंक्लूड करने की, जैसे कि कौन कौन से मैकेनिज्म हम इसके अंदर यूज करेंगे या स्पेसिफिकली कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हम इसके अंदर यूज करने वाले। तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म हमें यूज करने वाले, सो देखते हैं वन बाय वन द स्पेशलाइज क्लाउड मैकेनिज्म। तो देर आर द नंबर्स ऑफ 10 नंबर्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म, हर एक मैकेनिज्म इसके अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज द 8.1 ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर, सेकेंड लोड बैलेंसर 8.2 लोड बैलेंसर, देन थर्ड 8.3 SLA मॉनिटर, नेक्स्ट 8.4 पे पर यूज मॉनिटर्स, देन ऑडिट मॉनिटर, फेल ओवर सिस्टम, हाइपरवाइजर, रिसोर्सेस क्लस्टर्स, मल्टी डिवाइस ब्रोकर एंड स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस। ओके, इन नंबर्स ऑफ 10 नंबर्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म इसके अंदर देखेंगे। तो हर एक सेशन के अकॉर्डिंगली, कि जितने नंबर्स ऑफ हमारे सेशन हम कवर करने वाले, हर एक सेशन के अंदर हम 1-1 कवर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 10 डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट के अकॉर्डिंगली या एपिसोड के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट्स आपको रीड करना है या आपको रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। या इफ आपको रिक्वायर्ड है, टाइम है आपके पास, तो आप पूरा सेशन भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर। ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर्स नेम सजेस्ट दैट, कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या हो सकता है इसके अंदर, कि एक स्केलिंग है। ओके, स्केलिंग इन द सेंस जो आपका क्लाउड होगा, ओके, क्लाउड के अंदर जितने नंबर्स ऑफ डेटा इंसर्ट करोगे या जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना है, स्केल होने वाला है। ओके, लिसनर इन द सेंस लिसनर इज नथिंग बट अ हैंडलर, ओके, जो स्पेसिफिकली इन नंबर्स ऑफ एक्टिविटी को हैंडल करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है या ट्रैक करने वाले। ओके, ये सभी चीज़ें किस तरह से होने वाले, इन अ ऑटोमेटेड मैनर। ओके, तो इसके रिस्पेक्टिवली इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर मैकेनिज्म इज अ सर्विस एजेंट दैट मॉनिटर एंड ट्रैक अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर एंड द क्लाउड सर्विस फॉर अ डायनामिक पर्पज। ओके, जो भी डायनामिक चेंजेस आपके सर्विस के अंदर आपको करने होंगे या कंज्यूमर को आपको प्रोवाइड करने, सभी मैकेनिज्म के लिए आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर यूज करोगे। द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर आर डिप्लॉय विद इन द क्लाउड, टिपिकली द नियर द फायर वॉल्स, फ्रॉम वेयर दे आर ऑटोमेटिकली ट्रैक वर्कलोड एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन। ये कहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले, हमारे फायर वॉल के पास। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली जितने नंबर्स ऑफ नेटवर्क के अंदर कि नंबर्स ऑफ पैकेट्स होंगे सभी ट्रैक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो स्टेटस इंफॉर्मेशन होगी सभी हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। देन नेक्स्ट, द वर्कलोड कैन बी डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्लाउड कंज्यूमर जनरेटेड रिक्वेस्ट।
कि जो वर्कलोड होगा, वर्कलोड हम किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हैंडल करेंगे, यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अ नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय कंज्यूमर और वाया अ बैकएंड प्रोसेसिंग डिमांड ट्रिगर। ओके, या बैकएंड के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट जितने भी नंबर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म होने वाले उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सभी डेटा को ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके अंदर है फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकमिंग डेटा कैन बी रिजल्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग। कि जैसे कि स्मॉल अमाउंट एज ए हमने इनकमिंग डेटा लिया है या एज ए इनपुट लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो आउटपुट है आउटपुट लार्ज अमाउंट में हो सकता है, तो वो भी एक सिनारियो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इन अ ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्नर। ओके, देन नेक्स्ट द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर कैन बी प्रोवाइडेड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अ वर्कलोड फ्लक्चुएशन कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट मैकेनिज्म, कि जैसे दो तीन मैकेनिज्म हमने देखे तो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके वर्कलोड का उसके अकॉर्डिंगली स्केलिंग लिस्नर यहाँ पे डायनेमिकली वर्क होने वाला है। द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर एट द रिस्पॉन्स आउट फॉर एंड बेस्ड ऑन पैरामीटर्स इन अ प्रीवियस डिफाइंड अ क्लाउड कंज्यूमर। कि कॉमनली जो प्रीवियसली हमने डिफाइन किया, प्रीवियसली जो हमें पता है उसी क्लाउड कंज्यूमर को हम क्या करेंगे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इफ द ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन ऑफ अ क्लाउड कंज्यूमर वेन अ वर्कलोड इज एक्सीड, कि जो प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था उस वो वर्कलोड यहाँ पे एक्सीड हो गया कोई भी रीजन की वजह से, तो करंट थ्रेशोल्ड एज फॉलो। ओके, तो करंट थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने डिफाइन की है और थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी ना उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर यहाँ पे वो चेक करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास है सभी को हैंडल कर सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिए के फॉर ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर, कि जैसा कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है फर्स्ट कि जैसे कि नंबरिंग किए हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट है देर आर थ्री क्लाउड सर्विस कंज्यूमर अटेम्प्ट टू एक्सेस अ वन क्लाउड सर्विस साइमल्टेनियसली, जैसे कि थ्री पैकेट सेंड हो रहे हैं एज अ रिक्वेस्ट हम बोल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली सेंड कर रहे हैं। देन सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर स्केल आउट इनिशिएट क्रिएटिंग अ थ्री रिडंडेंट इंस्टेंस फॉर ए सर्विस अकॉर्डिंग टू अ थ्री रिक्वेस्ट। हमने क्या किया यहाँ पे जो क्लाउड के थ्री डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर दिए एंड उसके अकॉर्डिंगली जो वर्चुअल सर्वर है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या हो रही है द फोर्थ क्लाउड कंज्यूमर अटेम्प्ट टू यूज द क्लाउड सर्विस, जैसे जो लास्ट में आया फोर्थ क्लाउड कंज्यूमर यहाँ पे अटेम कर रहा है फॉर एन लॉग इन पर्पज या फॉर जो रिक्वेस्ट होगा उस पर्पज के लिए। देन द प्रोग्रामर टू अलाउ अप ओनली द थ्री इंस्टेंस ऑफ क्लाउड सर्विसेज द ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर रिजेक्ट द फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ एन नोटिफिकेशन एंड क्लाउड कंज्यूमर दैट रिक्वेस्ट वर्कलोड लिमिट हैज बीन एक्सीड। ओके, जो भी लिमिट थी हमारे पास की जैसे कि जो प्रीवियसली हमने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू तीन ही जन का दिया था तीन ही जन इसको एक्सेस कर सकते हैं, इफ फोर्थ वाला आया तो ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर इसको रिजेक्ट कर सकता है। बट क्या यहाँ पे हमारे पास और एक ऑप्शन उन्हें अवेलेबल है इफ प्रोग्रामर चाहे कि प्रोग्रामर ने इफ परमिशन दी उसको अलाउ किया देन उस कंडीशन में क्या हो सकता है द क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर एनवायरनमेंट प्रोविजन सेटअप टू इंक्रीज द रिडंडेंट इंस्टेंस लिमिट। ओके, इफ वहाँ पे स्केलिंग लिस्नर नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता कि स्पेसिफिकली ये जो रिक्वेस्ट था यहाँ पे कैंसल हो जाता। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्नर है वो क्या करेगा जो भी रिसोर्स पर्सन होगा या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा देन उसकी जो वेरिफिकेशन होगा यूजर का वो करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्लाउड सर्विस उसको प्रोवाइड करनी है
वो प्रोवाइड हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर कोई डाउट, कोई भी क्वेरी के या कोई सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सिमिलर जो नेक्स्ट 9 डिफरेंट मैकेनिज्म है उसके लिए आपको इस वीडियो को फॉलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक फॉर वीडियो फॉर एंड मोटिवेशन पर्पज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।